Hey, welcome back. आई एम ओ धर्मेंद्र फ्रॉम डी एस सी डॉक्टर मुखर्जी नर दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे स्पोकन का एक सीरीज दे रहा हूं यहाँ पे सीरीज हमने कई बार स्टार्ट करा है आपके लिए लेकिन आपने उस चीज को फॉलो किया कि नहीं किया आप देखो हमने आज फिर से एक एडवांस सीरीज ताकि आप आराम से अंग्रेजी बोल सको हमने आपके लिए प्रयास किया एक सीरीज देने का और आज एक पहला सीरीज है ऐसे ही आप अगर लगे रहेंगे ना तो आपको बोलना सिखा दूंगा बहुत हो गया अब नहीं अब मैं मानने वाला नहीं हूं अब सिखा ही छोड़ूंगा अब आप बस मेरे साथ लग चलो चल चलो और देखते हैं कैसे अंग्रेजी आप बेहतर बोल पाते हो अब आप देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस प्लस है फ्यूचर में कोई मजबूरी हो जैसे आप बोलते हो ना यार मुझे वहां जाना होगा मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा उसे खेलना होगा उसे आना होगा उसे जाना होगा उसे दौड़ना होगा उसे रोना पड़ेगा तो जो भी आप फ्यूचर में जो मजबूरी की बात करते हो फ्यूचर में कंपल्सन की बात करते हो तो हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं क्या प्रयोग करते हैं विल हैव टू का प्रयोग करते हैं तो विल हैव टू का मतलब होता है फ्यूचर में मजबूरी जो चीज फ्यूचर की मजबूरी हो जहां पे मजबूरी में काम करना पड़ता हो उसके लिए हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं फ्यूचर मजबूरी हिंदी से निकालना पड़ेगा या होगा तो पड़ेगा या होगा, या होगा या सेंस हो तो आप कर सकते हो अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो सब्जेक्ट प्लस विल में नॉट लगा दो तो आप कर सकते हो वोंट बाकी सब सेम रहेगा तो वॉन्ट कर दिया तो नेगेटिव हो गया वॉन्ट हैव टू बस में जो अब अंग्रेजी कैसे बोला जाए तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा मुझे सोचना पड़ेगा आई विल हैव टू थिंक मुझे सोचना पड़ेगा आई विल हैव टू थिंक तुम्हें अंग्रेजी बोलना होगा यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश है ना अब देखो यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश अब यहाँ पे देखो मुझे बाजार जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो टू मार्केट मुझे बाजार जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो टू मार्केट तुम्हें व्यायाम करना पड़ेगा यू विल हैव टू एक्सरसाइज यू विल हैव टू टेक एन एक्सरसाइज भी कह सकते हैं हम लोग अगला है तु, मुझे तुम्हारी डायरी देखनी पड़ेगी आई विल हैव टू चेक योर डायरी आई विल हैव टू चेक योर डायरी अब मेरे साथ एक बार दोहरा लो बोलो फटाफट तुम्हें अंग्रेजी सीखना हो बोलो फटाफट तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश मुझे सोचना पड़ेगा आई विल हैव टू थिंक तुम्हें अंग्रेजी बोलना होगा यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश मुझे बाजार जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो टू मार्केट तुम्हें व्यायाम करना पड़ेगा यू विल हैव टू टेक एन एक्सरसाइज या यू विल हैव टू एक्सरसाइज तुम्हें मुझे तुम्हारी डायरी देखनी पड़ेगी आई विल हैव टू चेक योर डायरी तो आपको करना यह है बच्चे कि ये सारे सेंटेंस को दस बार दोहराना है आई विल हैव टू गो टू मार्केट आई विल हैव टू कम हेयर I will have to read English. I will have to speak English. You will have to read English. You will have to go there. You will have to go to market. I will have to go to market. She will have to go to market. है ना? He will have to go to market. They will have to come here. तो कुछ भी whatever comes your mind have to have to have to बोलते रहना. You will have to. I will have to. He will have to. She will have to. They will have to. तो जिसके साथ भी will have to बोलोगे आप क्लियर जी बोलना बेहद आसान हो जाएगा. बस इसको दिमाग में फिट कर लेना. याद कर लो और बोलना शुरू करो. आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और दिखाता हूं अगला वीडियो अब यहाँ बात करें हम देखो वॉन्ट का अगर मैं वॉन्ट की बात करूँ जैसे तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ेगा यू वॉन्ट हैव टू लर्न इंग्लिश तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा यू वॉन्ट हैव टू थिंक तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं होगा यू वॉन्ट हैव टू स्पीक तो सब जो यहाँ पे विल लगा है ना वहाँ पे आप वॉन्ट कर सकते हो मुझे बाजार जाना नहीं पड़ेगा आई वॉन्ट हैव टू गो टू मार्केट यानी जहाँ पे विल है वहाँ पे आप वॉन्ट कर दो और यहाँ पे मुझे बाजार जाना नहीं पड़ेगा सब में नहीं 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 जोड़ दो तो सब में नहीं नहीं जोड़ दोगे तो यहाँ पे बस वॉन्ट कर दिया सेम सेंस हो जाएगा तुम्हें अंग्रेजी सीखना नहीं होगा यू वॉन्ट हैव टू लर्न इंग्लिश मुझे सोचना नहीं पड़ेगा आई वॉन्ट हैव टू थिंक तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं होगा यू वॉन्ट हैव टू स्पीक इंग्लिश मुझे बाजार जाना नहीं पड़ेगा आई वोंट हैव टू गो टू मार्केट मुझे व्यायाम करना नहीं होगा आई वॉन्ट हैव टू एक्सरसाइज तुम्हें मुझे तुम्हारी डायरी नहीं देखनी पड़ेगी आई वोंट हैव टू वॉच योर डायरी आई वोंट हैव टू सी योर डायरी आई वोंट हैव टू चेक योर डायरी इस तरह सब देखा तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस है प्लस थ्री प्लस सब्ज हमने क्या कहा मैं आपको बेसिकली पढ़ा नहीं रहा मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि आपके मुंह से निकलवा दू अंग्रेजी आप क्यों नहीं बोलोगे हाथ डाल के शब्द खींच लूँ और अब बस बोलना शुरू करो किसी भी चीज़ को आप एक एक चीज़ को बोलना शुरू करो मेरे साथ अब हमने पहला लिया था विल हैव टू अब हमने शुड हैव लिया है एक एक स्टार्ट किया हो पार्ट वन है पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर ऐसे हजारों पार्ट दिए जाएंगे बस आप एक एक कर पढ़ने का प्रयास अब इंटरेस्ट जगाओ अब यहाँ पर ने कहा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड तो शुड हैव प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड अब शुड हैव का मतलब क्या हुआ तो यहां पे सेंस होगा चाहिए था अगर चाहिए था नॉर्मल अर्थ में बोलना ध्यान रखना बच्चे ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है नॉर्मल अर्थ में चाहिए था जैसे किसी को एडवाइस दे रहे हो किसी को आप सलाह के लिए बोल रहे हो चाहिए था सलाह एडवाइस कर रहे हो कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था तुम्हें अपने घर जाना चाहिए था तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए था क्या तुम्हें घर जाना चाहिए था तो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी इंट्रोगेटिव भी तो जो आप चाहो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव जो चाहो सब बना सकते हो जैसे तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था तो तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश जल्दी बोल देना है तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था यू शुड स्पोकन इंग्लिश तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए था हमने नहीं लगा दिया तो नहीं लगा दिया तो आप यहीं पर शुडंट कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा यू शुडंट हैव टू यू शुडंट हैव स्पोकन इंग्लिश चूंकि हैव टू आ जाएगा तो कंपलसन हो जाएगा वो अलग कॉन्सेप्ट है तो बोला तो तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए था यू शुडंट हैव स्पोकन इंग्लिश क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था तो क्या आप करोगे तो क्या के लिए शूट कर देंगे पहले आपको पता ही होगा सर चीज शूट पहले कर देते हो तो इन्हें क्या हो जाएगा क्या शूट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस प्लस अदर वर्ड तो क्या तुम्हें ये बोलना चाहिए था तो शूट यू हैव देखो शूट यू हैव स्पोकन इंग्लिश क्या तुम्हें ये बोलना चाहिए था तो आप देख लो एक सेंटेंस लो और छह तरह से आप बोलना सीख जाओ जैसे आप बोलते हैं बेटा आई गो देयर आई डोंट गो देयर डू आई गो देयर डोंट आई गो देयर वाई डू आई गो देयर वाई डोंट आई गो देयर तो एक सेंटेंस का छह बनाना आएगा तब तो ना बोल पाएंगे हम लोग तो उससे हम लोग कहा आई शुड गो आई शुडंट गो शुड आई गो शुडंट आई बोलना चाहिए शुड यू स्पीक इंग्लिश क्या तुम्हें नहीं बोलना चाहिए स्टूडेंट यू speak इंग्लिश तुम्हें अंग्रेजी कब बोलना चाहिए वेन शुड यू स्पीक इंग्लिश तुम अंग्रेजी कब नहीं बोलना चाहिए वेन स्टूडेंट यू स्पीकिंग इंग्लिश देख लो आप

तुम्हें उसके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए था यू शुड हैव स्लैप्ड हिम तो स्लैप्ड का मतलब होता है थप्पड़ मारना यू शुड हैव स्लैप्ड हिम तुम्हें उसे थप्पड़ मारना चाहिए था तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी यू शुड हैव इनफॉर्म्ड मी मैं थोड़ा सेंटेंस बड़बड़ दे रहा हूं ताकि आप बोल पाओ यू शुड हैव इनफॉर्म्ड मी है ना मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए था आई शुड हैव टॉट यू आई शुड हैव टॉट यू पढ़ाना का टीच टिच कभी त्री

तुम्हें वहा नहीं जाना चाहिए था। शुडंट हैव तुम्हें उसके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए था यू शुड है ना तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी यू शुड हैव इंफॉर्म्ड मी मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए था आई शुड हैव टॉट यू क्या तुम्हें वहां चाहिए था शुड यू हैव गॉन देयर तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था यू शुड मी अब मैं आपसे ऐसे ही कुछ सेंटेंस पूछ रहा हूं आप इसको फटाफट जवाब देना बोलो तुम्हें वहां जाना चाहिए जल्दी बोलो तुम्हें वहां जाना चाहिए जल्दी से यू शुड है तुम्हें जाना चाहिए था। you should have gone there. तुम्हें आना चाहिए था यू शुड है राइट right. सिंपल बोलना है आई शुड गोदेर तो शुड याद करना आई शुड गोदेर यू शुड गोदेर ही शुड गोदेर है ना लता शुड गोदेर प्रिया शूट गोदेर तो आप स्ट्रक्चर को एक लेना है और एक लेकर के दस बनाना है मेरे साथ फिर बोलो तुम्हें पढ़ना चाहिए का छह बनाना है जल्दी से तुम्हें पढ़ना चाहिए यू शुड इट तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए यू शूडेंट रीड तुम्हें पढ़ना चाहिए यू शुड इट यू शुडेंट इट शुड यू रीड शुडेंट यू रूड वाई शुड यू रीड वाई शुडेंट यू रिट क्लियर अब एक मेरे साथ फिर से गेम खेलो मेरे साथ खेलो आप हमने कहा तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए जल्दी से तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए मेरे साथ बोलो छः बनाना छः पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच निगेटिव तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए यू शुड स्पीक इंग्लिश यू शुडंट स्पीक इंग्लिश शुड यू स्पीक इंग्लिश शुडंट यू स्पीक इंग्लिश वाई शुड यू स्पीक इंग्लिश वाई शुडंट यू स्पीक इंग्लिश

तुम्हें घर जाना चाहिए था तुम्हें घर जाना चाहिए छे बना दो। तुम्हें घर जाना चाहिए था यू शुड हैव गोन होम यू शुडंट हैव गोन होम शुड यू हैव गॉन होम शुडंट यू हैव गॉन होम वाई शुड यू हैव गॉन होम वाई शुडंट यू हैव गॉन होम तो हमने क्या करा छे छे बना करके कर आपको दे रहा हूँ मेरे बच्चे आपको एक सीरीज़ दे रहा हूं ये छोटे छोटे वीडियो देख करके आप बड़े बड़े सेंटेंस बोलिए आपकी अंग्रेजी लॉलीपॉप हो जाएगा आसान हो जाएगा ये पाँच दस मिनट वीडियो आपका अंग्रेजी को इम्प्रूव कर देगा मैं कहता हूं अगर डिटेल सीखना चाहते हो अंग्रेज़ी आप चाहते हो अंग्रेजी में क्रांतिकारी बनना क्रांतिकारी बनना चाहते हो अब दिल्ली दूर नहीं अब दिल्ली आ करके आप क्रांतिकारी बन सकते हो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले सकते हो अपने मोबाइल पर अपने टी पर अपने लैपटॉप पर अब तो हमने स्पोकन क्लास भी ऑनलाइन शुरू कर दिया है अब स्पोकन क्लास भी ले सकते हो आप ऑनलाइन लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग होने के बाद आप दोनों क्लास ले सकते हो जैसे मर्जी हो आप पढ़ सकते हो मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लगा हूं आप देखिए मस्त रहिए और सब तब से इस वीडियो को शेयर करिए